Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जरताज गुल को तो आप जानते हैं, जरताज गुल क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और वो कहती हैं कि मैंने 2 साल में इतना काम किया है कि क्लाइमेट को चेंज करके रख दिया। बात भी सही है, सारे मौसम बदल गए हैं। कराची वालों ने बारिश पहले सिर्फ टीवी पर देखी थी, इसने उनके घरों में करवा दी। पहले वो लोग समुंदर देखने जाया करते थे, ऐसी बारिशें हुई कि समुंदर उन्हें देखने उनकी गलियों में आ गया है। जरताज गुल को माहौल बेहतर बनाने का वजीर बनाया गया है और वो जहाँ जाती हैं माहौल बेहतर बना देती हैं। अपनी मेहनत से जरताज गुल ने 2 साल में वो मकाम हासिल कर लिया जो हासिल करने में कायम अली शाह को 2 सदियां लगीं। जरताज गुल ने कहा COVID-19 के 19 पॉइंट हैं, तो लोग मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा F-16 को F-16 इसलिए कहते हैं कि उसमें 16 बंदे बैठ सकते हैं। किसी ने कहा रेडियोलॉजिस्ट वो होता है जो रेडियो सुनता है। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि साइकिल चलाने वाला जो होता है वो साइकोलॉजिस्ट होता है। किसी ने कहा नॉकआउट का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, मास्क से नाक बाहर हो तो उसे नाक आउट कर। जरताज गुल ने बड़ी मेहनत से COVID-19 के 19 पॉइंट बनाए जो किसी ने नहीं सुने, हम आपको सुनाते हैं। पहला पॉइंट, पाकिस्तानी हुकूमतें और चाइना की चीज़ें ज़्यादा नहीं चलती, कोरोना भी नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट, इमरान खान की तस्वीर वाला पोस्टर जिस घर पर लगा लें कोरोना उस घर में नहीं आता कि यहाँ मेरी क्या ज़रूरत। तीसरा पॉइंट, मेडिकल के शोबे में इमरान खान ने इनकलाबी तब्दीलियाँ की, जो बच्चा पहले उल्टा पैदा होता था अब वो भी यू टर्न लेकर सीधा पैदा हो रहा है। कोरोना ने भी पाकिस्तान में खान साहब की वजह से यू टर्न लिया। चौथा पॉइंट, खान साहब के नोटिस लेने से हर कोई डरता है, वो तो जिसका नोटिस ले लें वो कोरोना हो, आटा हो, पेट्रोल हो या कोई भी चीज़, वो डर कर खुद ही गायब हो जाता। पांचवा पॉइंट, पाकिस्तान में इतनी आज़ादी है कि वोट भी हमारी मर्ज़ी से नहीं पड़ता, हमारे अपने वोट की मर्ज़ी होती है, जिसको मर्ज़ी पड़ जाए। मुझे तो लगता है मैंने जो वोट यहाँ डाला था ट्रंप उसी वोट से जीता। छठा पॉइंट, इंडिया पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि हमारे नौजवानों ने इतनी तैयारी की है कि उन्होंने तो उनके इलाके में DHA की प्लॉटिंग भी कर ली। सातवां पॉइंट, ट्रंप इमरान खान जैसा हो सकता है, हमारा खान बिल्कुल उस जैसा नहीं है। आठवां पॉइंट, खान साहब ने कहा दरख्त रात को ऑक्सीजन बनाते हैं, तो उन्होंने नून लीग के दरख्तों के बारे में ये बात नहीं की, PTI के दरख्तों की बात की है, क्योंकि वो अपने लीडरशिप की तरह दिन रात काम करते हैं। नवा पॉइंट, ये बारिशें इमरान खान की वजह से हैं, इससे पहले जो बारिशें होती थी वो बिला वजह होती थी। दसवां पॉइंट, COVID-19 की वजह से 19 चीज़ें महंगी हुई, लेकिन हुकूमत ने बड़ी मेहनत से कुछ चीज़ें सस्ती भी की, जैसे रुपया। ग्यारहवां पॉइंट, रोटी और नानों की कीमत अगर कंट्रोल ना हो तो तंदूर पर इमरान खान की तस्वीर लगा दें, नान खुद अपनी कीमत कम कर लें। 12वां पॉइंट, कोरोना पाकिस्तान में इसलिए कोई गड़बड़ नहीं कर सका कि खान साहब ने पहले दिन ही उसको उसकी औकात बता दी थी कि तू आम सा फ्लू है, वो शर्मिंदगी से यहाँ से भाग गया। ना जाता तो खान साहब ने उस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा देना था और उसने सीधा लंदन जा कर ब्रेक लगानी थी। 13वां पॉइंट, हुकूमत महंगाई नहीं कर रही, आटा, चीनी, रिश्वत, डॉलर, हर चीज़ के जो रेट हैं वो हुकूमत ने नहीं बढ़ाए, आवाम खुद बढ़ा रहे।
14वां पॉइंट, आम बंदा परेशान है कि 20,000 तनख्वाह में अपने घर और हुकूमत को कैसे चलाए। खान साहब रोल मॉडल बनकर सामने आए हैं, उनका कोई कारोबार नहीं, वो बनी गाला चलाते हैं। उन्होंने साबित किया कि क़यादत दयानतदार हो तो बग़ैर तनख्वाह के भी घर चल सकता है। 15वां पॉइंट, 70 साल का बंदा वो होता है जो महवेश आत और हरीम शाह के पास भी जाए और जाके वोट ही मांगे। खान साहब जो है उन्होंने मुल्क में ही नहीं लोगों की उम्रों में भी तब्दीली की है, और ये तब्दीली ये है कि अब 70 इज़ न्यू 30। 16वां पॉइंट, कोरोना का वही काम है जो मेरी मिनिस्ट्री का है, मतलब फ़ज़ा में पोल्यूशन कम करना। 17वां पॉइंट, पहले हुकूमतें महंगाई करती थी, खान साहब की हुकूमत ऐसी है जो खुद महंगाई नहीं करती, टमाटर आलू आटा चीनी खुद अपनी कीमतें ज़्यादा कर लेते हैं, बिजली तक खुद अपने रेट बढ़ा लेती है। 18वां पॉइंट, एक खातून ने बताया कि सिंध हुकूमत की वजह से उसकी तलाक हुई, मियां बीवी 20 साल से शादीशुदा थे, सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन किया, 20 दिन इकट्ठे रहना पड़ा तो 20 साल का ताल्लुक टूट गया। इमरान खान ने चूँकि स्मार्ट लॉकडाउन किया और स्मार्ट लॉकडाउन से तलाक नहीं होती। और 19वां पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट है कि खान साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, बस उन्हें अवाम अच्छी नहीं मिली, अगली बार वज़ीर आज़म बदलने की बजाय अवाम बदल कर देखना चाहिए।